बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों मरवी है कि जर्जीस पैगंबर मुल्क शाम के करीब फलस्तीन एक जगह है, वहाँ उनकी सुकूनत थी और उस मुल्क में एक बादशाह बुत परस्त था। नाम उसका दादियाना था। उस मलून ने उनको शहीद किया था। तफसीर में लिखा है कि हजार बार मारा, हजार बार जिंदा हुए। सबब उसका यह था कि वह दादियाना पलीद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कई बरस पहले था। बुत बनाकर जरो जवाहर से सजाकर मुश्को अंबर से मुआत्तर करके उसको सजदा करता और लोगों से भी करवाता, और जो कोई उसके बनाए हुए बुत को सजदा करने से इनकार करता वो पलीद उसे आग में फेंकवा देता। तब लोग उसके खौफ के सबब उसके बनाए बुतों को सजदा करते। खुदा ताला ने जर्जीस पैगंबर को शहर फलस्तीन में भेजा ताकि उस मलून को खुदा की तरफ दावत करे और राह हक बता दे। बस जर्जीस अलैहिस्सलाम ने जाकर खुदा की तरफ उस पलीद को दावत देकर कहा, ए दादियाना, बुत परस्ती छोड़ दे, खुदाए अर्ज़ो समा की इबादत कर जो कि दाना और बीना और खालिक और राज़िक सारे जहान का है। तब उस मलून ने कहा, ए जर्जीस, अगर तेरा खुदा इतना ही साहिब कुव्वत और साहिब इख्तियार है तो क्यों तेरे खुदा ने तुझे दौलत दुनिया से महरूम रखा हुआ है, और हमारे खुदा यानी बुतों ने तो हमारी इबादतों से खुश होकर हमें बादशाही अता की है, और इसके अलावा भी हर चीज दुनिया की हमें हासिल है, तो तुझे तेरे खुदा ने क्यों गरीब रखा है। बस हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जानता है कि दुनिया की दौलत और जिंदगी को बका हासिल नहीं, और जिस दौलत और जिंदगी को बका और मदाम हासिल है वह इस जिंदगी और दौलत से कई दर्जे बेहतर है और हम उसके उम्मीदवार हैं। तब उस मलून ने पूछा, वो कौन सी दौलत और जिंदगी है जिसे बका और मदाम हासिल है। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो नेमत जन्नत की है कि जहाँ कोई दुख मेहनत नहीं बल्कि हमेशा की सरदारी है, और इस बादशाही को कभी सवाल ना होगा। उस बादशाह ने पूछा कि वो नेमत जन्नत किस तरह हासिल होती है। हजरत ने फरमाया कि बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत कर जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है और सबको रिस्क देता है, और लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और अदलो इंसाफ के साथ फैसले किया कर और अपने रियाया पर मेहरबानी वाला मामला कर। फिर अल्लाह दुनिया में भी तेरी सल्तनत और बादशाही को बढ़ाएगा और मरने के बाद भी आखरत की जिंदगी में हमेशा रहने वाली जन्नत और सरदारी से नवाजेगा। तब उस मलून ने कहा कि जर्जीस, तू दीवाना हो गया है क्या? भला मरने के बाद जब इंसान की हड्डियां तक गल सड़ जाती हैं तब उन्हें कौन दोबारा जिंदा करेगा। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक जिसने इस कायनात को और मुझे और तुम्हें और तमाम इंसानियत और जमीन और आसमान को पहले बनाया है वही इन्हें दूसरी बार बनाएगा, और उसके लिए ना पहली बार बनाना मुश्किल था और ना दूसरी बार ही मुश्किल होगा, और वही रब है तमाम जहानों का और अगलों का और पिछलों का भी। जब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने उसको ऐसी बातें बयान की तो मलून अपने लोगों से कहने लगा, अरे देखा तुमने जर्जीस को, यह माजल्ला दीवाना और मजनून हो गया है जो ऐसी बातें करता है और तुम्हारे खुदाओं को झूठा कहता है और कहता है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो रब हमें दोबारा जिंदा करेगा और हिसाब किताब होगा। इसकी बातों में ना आना, हमें चाहिए कि इसको दार पर खींचकर ईंट और पत्थर मारे और शान आहनी से इसका गोश्त पोस्त निकाल कर उसकी हड्डियां और गोश्त आग में जला दे, फिर देखता हूँ कि उसका रब उसे दोबारा किस तरह जिंदा करता है। चुनांचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक उन काफिरों ने वैसा ही किया और हजरत को दार पर चढ़ाकर पहले ईंटें और पत्थर मारे और उसके बाद लोहे के बने औजारों वगैरह से आपके जिस्म से मांस अलग किया और फिर हड्डियों और उस मांस को आग में डाल दिया। तब दादियाना मलून ने पुकार कर कहा कि जर्जीस, अब कहो अपने रब को कि तुम्हें दोबारा जिंदा करे और अब बताओ कि खुदा सच्चा किसका है। तब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर से पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक अल्लाह ही माबूद बरहक है। तब बादशाह बहुत सादा हैरान हुआ और कहने लगा, ऐ जर्जीस, तू दोबारा कैसे जिंदा हो गया। हजरत ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया और जब तक वो न चाहे तुम मुझे जरा नुकसान नहीं दे सकते, बस कलमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान ले आओ। तब उस मलून ने अपने लोगों से कहा कि छह सीखे लोहे की गरम करके ले आओ और एक सीख जर्जीस के सर में खुबो दो कि भेजा बाहर निकल आए।
और एक सीख सीने में मारो और बाकी चार हाथ पाँव में जमीन पर गिराकर खुबो दो, फिर देखते हैं कि कैसे जिंदा करता है इसका रब इसको। चुनांचे उन काफिरों ने वैसा ही किया और समझने लगे कि जान उनकी कब्ज हुई, और इसी तरह मैदान में सीखें आपके जिस्म में खुबी हुई छोड़कर घरों को चले गए। तब अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते आए और सीखें तमाम उनके बदन से उठा ली, और हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को पहले किसी हालत में उठाया कि उनको उन सीखों से जरा भर भी नुकसान न हुआ। चुनांचे दूसरे दिन जब वो लोग बुतों की पूजा में लगे थे, तब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम फिर उनके पास पहुंचे और कहा, ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो जो माबूद हकीकी है, और इन बुतों की इबादत करना छोड़ दो, ये तुम्हारा किसी किस्म का नफा नुकसान नहीं कर सकते। ऐ जर्जीस, आप फिर से जिंदा कैसे हो गए? हजरत ने फरमाया कि मुझे मेरे अल्लाह ने जिंदा किया और वो हर चीज पर कादिर है। तब बादशाह मलून ने एक देग और घी और गंधक लाने का हुक्म दिया। जब हर चीज आ गई तो एक चूल्हे में आग जलाई और फिर देग में घी और गंधक डालकर देग को आग पर चढ़ा दिया। जब घी और गंधक देग में जोश खाने लगे तो मलून ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जर्जीस के हाथ पांव बांधकर इस देग में डाल दो। चुनांचे काफिरों ने हुक्म के मुताबिक किया, लेकिन जब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को देग में डालने लगे तो अल्लाह के हुक्म से चूल्हे में से चश्मा ठंडे पानी का फूट निकला और उसके सबब से देग फौरन ठंडी हो गई और हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के बाल को भी नुकसान न पहुंचा और खुदा के फजल से सही सलामत देग से निकल आए। ये हाल देखकर बादशाह कहने लगा, ऐ जर्जीस, इतने अजाब मैंने तुझे दिए लेकिन तुझ पर किसी का कुछ असर न हुआ। तब हजरत ने फरमाया कि वो अल्लाह की जिसने आसमान को बेसुतून टिकाया, जमीन को पानी पर बिछाया, उसके लिए मुझे तेरे ऐसे अजाबों से बचा लेना कौन सा मुश्किल काम है, और वो रब्बुल आलमीन है, वही मुझे अपने फजलो करम की निगाह में रखे हुए है और तुझे जलीलो खार कर रहा है। अब भी वक्त है कलमा पढ़कर ईमान ले आ और बुत परस्ती छोड़ दे। जब हजरत ने ये बातें की तो मलून डरा कि कहीं लोग उसकी बातों में आकर ईमान न ले आए और मेरा मुल्क और बादशाहत मेरे हाथों से न चला जाए। फिर मलून ने हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांधकर चार सलाखे लोहे की उनके चारों हाथ पांव में गड़वाई और एक पत्थर इतना वजनी कि 40 जवानों ने उसे उठाकर हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के सीने पर रखा और उनको कैद कर दिया गया। जब रात हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हजरत के पास आए और अव्वल उनके जिस्म से पत्थर हटाया और जंजीरें खोल दी और सलाखों से उनके हाथ पांव को आजाद किया, और उसके बाद कहने लगे कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है कि मजीद 7 साल ये मुसीबतें और सऊबतें आपको सहनी होंगी और उन पर साबिर और शाकिर रहना होगा और लोगों को हक की तरफ दावत देते रहिए और फिर 7 साल के बाद आप शहीद होंगे। और इसके बाद हजरत को जन्नत से लाया हुआ खाना वगैरह खिलाया और लिबास पहनाया और फिर वहां से चले। तब सुबह को हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम उठकर दोबारा बादशाह के पास गए और दावत हक दी। वो देखकर कहने लगा, अरे तुम जर्जीस हो? हजरत ने फरमाया, हाँ मैं ही हूँ। तब कहने लगा, तुमको इस कैद से किसने आजाद किया? हजरत ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने आजाद किया जो कि जमीन और आसमान का बनाने वाला है, बस उसने मुझ पर रहम किया और तेरी दी हुई मुसीबत से छुटकारा दिलाया और फिर लोगों को हक की दावत दी। चुनांचे उस मर्दूद बादशाह ने अपने लोगों से कहा कि जर्जीस को ले जाकर आरे के साथ इसे 20 से चीर दो। तब काफिरों ने अपने बादशाह के हुक्म के मुताबिक हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को ले जाकर आरे से 2 टुकड़े कर दिया और बादशाह दोनों टुकड़े उठाकर जंगल में जिस जगह शेर रहते थे वहां डाल दिया। शेर हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को देखकर अदाब बजा लाए और उनके गिर्द निगहबान हुए। रात को फिर फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा कर दिया। उन्होंने हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को खिलाया और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को सलाम भेजा है और फरमाया है कि कल इसी बस्ती वालों के यहाँ जो मेला लगता है तो तमाम काफिर उस मेले में शरीक होने को एक बड़े मैदान में जा रहे हैं, बस आप काफिरों के पास उस मेले में जाएं और उन्हें दावत हक पहुंचाएं। चुनांचे हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सुबह जब सब लोग मैदान में जमा हो गए तो आप भी वहां जा पहुंचे और लोगों को हक की दावत पहुंचाने लगे कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, बेशक वही खालिक और मालिक तमाम जहानों का है। काफिरों ने जब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को दोबारा से जिंदा देखा तो कहने लगे, ऐ जर्जीस,
कल हमने तुम्हें टुकड़े करके शेरों वाले इलाके में खुद अपने हाथों से नहीं फेंका था? फिर भी ताज्जुब की बात है कि तुम वहां से बचकर कैसे निकल आए हो और तुम जिंदा सलामत हमारे सामने खड़े हो। तब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी तरह मेरा रब अदब से वजूद करता है और वजूद से अदम करता है, और इसी तरह वो बार बार अपनी कुदरत से मुझे जिंदा करता है, और उसी ने मुझे दोबारा जिंदा करके तुम्हारे पास भेजा है। और ये सब देखकर भी आखिर ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि तुम पर वाजिब है कि ईमान लाओ और मुसलमान हो जाओ। तब दादियाना मलून अपने लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि जर्जीस कोई बहुत बड़ा जादूगर है और ये तमाम खेल उसके जादू का है। जब हम उसे मारने लगते हैं तो ये अपने जादू की ताकत से हमारी आंखें बंद कर देता है और हम नहीं समझ पाते कि ये बार बार कैसे जिंदा हो जाता है, जबकि दरहकीकत ये मरता ही नहीं है। तो उस पलीत ने कहा कि अब हम उसका मुकाबला जादू के साथ ही करेंगे, और उसने शहर के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को मंगवाया और उनसे कहा कि अगर तुम जादू या किसी और हिकमत के जोर से जर्जीस को मार डालोगे तो हम तुमको ढेर इनाम और दौलत माल वगैरह से नवाजेंगे। तब जादूगर कहने लगे कि जहां पना आप फिक्र न कीजिए और खातिर जमा रखिए, हम अभी उसका किस्सा तमाम किए देते हैं। तब दादियाना ने कहा कि मुझे बताओ कि तुम जर्जीस को कैसे मारोगे और क्या तुम्हारे जादू में इतनी ताकत है कि तुम उसका मुकाबला कर सको। तब उन्होंने कहा तुम हमें एक गाय मंगवा दो, हम अभी तुम्हें अपने जादू का करिश्मा दिखाए देते हैं। तब बादशाह ने उनके कहने पर एक गाय मंगवाकर उन्हें दी। तब जादूगरों ने उस गाय के कान में मंत्र पढ़कर फूंका, इस पर वो गाय वहीं पर हामिला हो गई, उसके पेट से दो बछड़ों ने जन्म लिया, फिर वो दो बछड़े दो ताकतवर बैल बन गए, फिर उन बैलों से जमीन पर हल जोता और उस जमीन में गेहूं डाले, तब वो गेहूं उगकर पुख्ता और पकी हुई फसल बनकर तैयार हो गए। तब उनको काटा और उनको पीस कर आटा बनाकर रोटी पकाकर खाई। तब दादियाना ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा यकीनन तुम लोग जर्जीस को जरूर मार दोगे। तब हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को वहां मुकाबले के वास्ते बुलाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इनसे मुकाबला करो। जादूगरों ने एक प्याला पानी मंगवाया और उसमें मंत्र पढ़कर हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम को वो पानी पीने के वास्ते दिया। आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो पानी हाथ में लिया और सारा पानी पी गए। जब जर्जीस अलैहिस्सलाम पानी पी चुके तो जादूगरों का सरदार उनसे कहने लगा क्यों हजरत पानी पीकर कैसा महसूस हो रहा है? हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं काफी दूर से चलकर आया हूँ जिसके सबब प्यास बहुत लग रही थी, तुमने मुझे पीने को ठंडा पानी पेश किया जिसे पीकर मेरी प्यास दूर हो गई और जी भर गया, बस खुदा तुम्हारा भला करे और इस पानी पिलाने का अजर दे। तब जादूगर कहने लगे कि जर्जीस अलैहिस्सलाम जो पानी मैंने तुम्हें पीने के वास्ते दिया अगर कोई और ये पानी पी लेता तो अब तक उसका किस्सा तमाम हो चुका होता, उसका कहीं नामो निशान भी बाकी ना मिलता, जबकि तुम पर इस जादू का कोई असर नहीं होता। बस मालूम हुआ मुझको कि या तो तुम सच्चे नबी हो या फिर बहुत बड़े जादूगर हो कि तुम्हारी जादूगरी तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। बस इस तरह हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम की शोहरत और भी बढ़ गई कि जर्जीस अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में सबसे बड़े कामिल आदमी है। दोस्तों एक कहावत कही जाती है जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक राह पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।